जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अरशद है और आई एम विजुअली चैलेंज। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैं पाकिस्तान में फर्स्ट वो हूँ जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स करता हूँ और दूसरे लोगों को भी करवाता हूँ। अच्छा, बेसिकली मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में कदम रखा था 2015 से। मुझे इसका शौक इस तरह से हुआ था कि पाकिस्तान में विजुअली चैलेंज लोगों के लिए सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट होती है। मुझे क्रिकेट शुरू से पसंद नहीं थी, मैं किसी दूसरी स्पोर्ट्स करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता था कि जो थोड़ा सा यूनिक लगे। सो उसमें देन आई चूज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो जब मैं ऐसे क्लब्स के साथ इन टच होता था, उनका नंबर लेता था और उन्हें मैं कहता था कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, सो वो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा वेलकम करते थे, लेकिन जो ही उन्हें पता चलता था कि मैं देख नहीं सकता, सो मुझे उसी मोमेंट पे मना कर देते कि तुम ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी चीज़ नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा टीचर आ जाता है जो आपको उंगली पकड़ के थोड़ा सा चलना सिखाए तो आप रन भाग हो जाते हैं। ताहिर इमरान साहब हैं, इस्लामाबाद से हैं। जो ही मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें बताया कि आई एम विजुअली चैलेंज और मैं ये सब करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बल्कि ख़ुद पिक किया और उन्होंने मुझे सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स कराई। बस मुझे नाम के थ्रू पता था रॉक क्लाइंबिंग होती है, वॉल क्लाइंबिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। अब मैंने ये ख़ुद प्रैक्टिकल की भी नहीं थी। सो उन्होंने मुझे कहा कि सुलेमान तुम्हें क्लॉक का आइडिया है? मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल क्लॉक का आइडिया है। सो ने कहा मैं तुम्हें फिर इस तरीके से गाइड करूँगा, जब तुम क्लाइंब कर रहे होगे सो मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तुमने हाथ अपना 3 पे रखना है, फिर 6 पे रखना है, फिर 9 पे रखना है। सो उस बेस पे मैं कामयाब हुआ। फिर मैंने वॉल क्लाइंबिंग भी की, रॉक क्लाइंबिंग भी की, जिप लाइनिंग भी की, रिवर क्रॉसिंग भी की। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने बींग अ विजुअली चैलेंज पैराग्लाइडिंग भी की, स्नो स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी की, वाटर स्पोर्ट्स भी की। देन आई रियलाइज़ कि अगर ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो मेरे तरह बाकी विजुअली इंपेयर्ड भी लोग कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स है वो उसी तरह इंपॉर्टेंट होती है जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि आप नेचर के करीब जाते हैं, आपको पता चलता है कि आप कितने फिट हैं। काफ़ी हाईएस्ट पीक्स हैं इन पाकिस्तान। सो मेरा फ्यूचर का प्लान ये कि मैं कुछ पीक्स हैं उन तक जाऊं, जैसे मकड़ा पीक हो गया, मूसा का मसल्ला एंड K2 बेस कैंप तक जाऊं। सो बीइंग अ विजुअली चैलेंज जो क्लाइंबिंग है वो आपको डेफिनेटली टफ करते हैं, आपको हार्ड बनाती है। सो जब से मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स करना शुरू की, मीडिया कवरेज मिली, सो मैंने एक पैराडाइम चेंज किया। पैराडाइम ये था कि जब जाहिर सी बात है एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, थ्रिल आ रही है आपको करते हुए, हाई जंप्स करते हुए दिखा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखा रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली उसमें एक जान डल जाती है उस चीज़ में। मुझे एक अवार्ड मिला है रिसेंटली, कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर अवार्ड फ्रॉम द होल एशिया रीजन, जो कि मुझे लंदन में बुला के दिया गया था। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी कि बीइंग अ विजुअली चैलेंज पाकिस्तान से और पूरे एशिया से अवार्ड मिला। सो जब पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे जाके मैंने हाई किया तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स है जो कि किसी भी उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो, सो आप उसकी डिसेबिलिटी मत देखें, आप ये देखें कि उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है करने की, आप उसे सपोर्ट करें। जब आप उसे सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकेगा। द सेकेंड मैसेज जो मेरे विजुअली चैलेंज जो दोस्त हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो सुन रहे हैं, कुछ यूनिक करें। डेफिनेटली जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ चल रही होती है उसमें शायद आप इतना एक्सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, वो होती तो देखने सुनने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप वो कदम उठाते हैं तो आप बहुत से बैरियर जो हैं वो ब्रेक करते हैं। सो आप अपना नाम उसमें आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। एट लास्ट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा HBL, PSL का और एनवेरिक्स का कि जिन्होंने जो अनसंग हीरोज़ होते हैं उनको सामने लेके आए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, विच इज़ गुड थिंग, लेकिन जो ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि शायद उनको ज़रूरत है प्रमोशंस की, उनको ये HBL, PSL और एनवेरिक्स सामने लेके आए। सो मैं दिल से इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ।